अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। हमने एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स को स्टडी कर लिया है, आज हम देखेंगे डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ठीक है, हम इन तीनों सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे, साथ में देखेंगे कि सॉल्ट्स के यूजेस क्या होते हैं। और हमारे पास लास्ट एक चैप्टर का भी टॉपिक है छोटा सा, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स से। सबसे पहले हमारे पास है डबल सॉल्ट्स, तो देखते हैं डबल सॉल्ट्स क्या है। आपके बुक वाले कह रहे हैं डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय टू नॉर्मल सॉल्ट्स व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, डबल सॉल्ट्स हमारे पास दो नॉर्मल सॉल्ट्स जब हम लेते हैं, लेट्स सपोज ये हमारा एक नॉर्मल सॉल्ट है, बी हमारा दूसरा नॉर्मल सॉल्ट है, तो इन दोनों के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आपकी बुक पर वर्ड यूज किया गया है इक्विमोलर, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अब दो नॉर्मल हमारे पास सॉल्ट्स हैं, इनको हमने इनके इक्वल नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, लिए किसके अंदर है, हमने बीकर में। सपोज करें ये हमारा बीकर है, ठीक है, इसके अंदर हमारा 5 मोल अगर ए सॉल्ट के हैं तो 5 मोल ही हमारे पास बी नॉर्मल सॉल्ट के हैं। हमने क्या किया, इसको मिक्स किया है और हमारे पास ये क्या बना, सैचुरेटेड इक्विमोलर सॉल्यूशन। ये क्या बना हमारे पास, सैचुरेटेड इक्विमोलर सॉल्यूशन। इक्विमोलर क्यों, कि हमने दोनों नॉर्मल सॉल्यूशंस के सेम इक्वल नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे यूज किया है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये सैचुरेटेड इक्विमोलर सॉल्यूशन। हमने इन दोनों को क्या किया है, मिक्स। अब मिक्स करने के बाद हमारे पास क्रिस्टलाइज जो है क्रिस्टलाइजेशन बने हैं। क्रिस्टल्स जो बनते हैं ना क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से, वो क्रिस्टल्स किसके होते हैं हमारे पास, वो क्रिस्टल्स हम कहते हैं वो है डबल सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स। ठीक है, हर अब ये जो इंडिविजुअल नॉर्मल सॉल्ट्स हैं, ये अपनी प्रॉपर्टीज को, ये अपनी आइडेंटिटी को मिक्स होने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। अगर समराइज करें डबल सॉल्ट्स को, तो क्या होता है कि दो नॉर्मल सॉल्ट्स के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हम एक बीकर में लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं, हमारे पास सैचुरेटेड इक्विमोलर सॉल्यूशन बनता है, उसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, जो क्रिस्टल्स बनते हैं बेसिकली वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स। क्लियर। अब नॉर्मल सॉल्ट्स के अगर हम एग्जांपल्स को देखें, तो हमारे पास अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि मोहर सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, और हमारे पास पोटैश एलम क्या होता है, फेरिक एलम क्या होता है, तो ये हमारे पास बेसिकली 3 एग्जांपल्स हैं डबल सॉल्ट की। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको ये भी कहा जा सकता है कि मोहर सॉल्ट क्या होता है, पोटैश एलम क्या होता है हमारे पास और फेरिक एलम क्या होता है। तो अगर हम इनकी एग्जांपल्स में इन तीनों सॉल्ट्स को देखें, फर्स्ट हमारे पास है मोहर सॉल्ट, वो क्या होता है हमारे पास FeSO4। मोहर सॉल्ट में हमारे पास साथ में क्या होते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके साथ NH42 साथ में SO4। अब आपको इतना पता है कि SO4 आ गया, तो मतलब ये क्या है हमारे पास, सॉल्ट्स हैं, साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल हमारे पास है पोटैश एलम की। पोटैश एलम क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 3 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं 24। ठीक हो गया, हमारी दो एग्जांपल्स हो गई डबल सॉल्ट की। थर्ड लास्ट एग्जांपल हमारे पास है फेरिक एलम। फेरिक एलम हमारे पास क्या होता है, K2SO4 Fe2SO4 3 और इधर भी हमारे पास 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इन तीनों फार्मूलाज को आपने एज इट इज याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं डबल सॉल्ट्स की, अक्सर पूछी जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास था मोहर सॉल्ट, सेकंड हमारे पास था पोटैश एलम, थर्ड हमारे पास है फेरिक एलम। तो ये एज इट इज आपने याद करना है, ये हमारे पास डबल सॉल्ट्स की 3 एग्जांपल्स हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा सॉल्ट की जो टाइप है वो है मिक्स्ड सॉल्ट्स। तो इन तीनों के फार्मूलाज को, इन तीनों के जो डबल सॉल्ट्स की
तीन एग्जांपल्स हैं पोटाश, फेरिक और मोहर, इनको आपने एंटिटीज याद कर लेना है। मिक्स्ड सॉल्ट्स की बात करें तो हमारे पास मिक्स्ड सॉल्ट्स कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिड रेडिकल्स। मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या होते हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा एसिड के रेडिकल्स होते हैं या फिर एक से ज़्यादा बेसिक के रेडिकल्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है मिक्स्ड सॉल्ट्स। मोर देन वन बेसिक रेडिकल और मोर देन वन एसिडिक रेडिकल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है मिक्स्ड सॉल्ट्स। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो मिक्स्ड सॉल्ट की एग्जांपल है, CaOCl, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट्स ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर मिक्स सॉल्ट की एग्जांपल है और उसका फार्मूला है CaOCl ब्रैकेट में देन Cl आगे लिखा हुआ, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हमारे पास कौन से होते हैं कि सॉल्ट्स की जब हम डिसोसिएशन करें या फिर आयनाइजेशन करें तो उसके बाद हमें दो चीजें यहाँ पे मिलें। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करते हैं डिसोसिएशन के बाद, सिंपल कैटाइन साथ में कॉम्प्लेक्स एनायन। चूंकि हमें पता है सॉल्ट्स होते हैं वो एनायनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास, तो सिंपल कैटाइन बनता है और कॉम्प्लेक्स एनायन बनता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड हमारे पास एक सॉल्ट है, जब इसकी डिसोसिएशन करेंगे हम देख लेते हैं K4FeCN6, ठीक हो गया। ये हमारे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसकी जब डिसोसिएशन करते हैं ना ऑन डिसोसिएशन ये सिंपल कैटाइन देता है और कॉम्प्लेक्स एनायन देता है। अब देखते हैं कैसे, ये हमारे पास के आ गया पोटेशियम पॉजिटिव में तो ये हमारे पास है सिंपल कैटाइन, बाकी जो भी यहाँ पे है FeCN6-4 ये हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स एनायन में, ठीक हो गया। ये -4 में इसकी बाय पावर लिखी हुई है। अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स एनायन। आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये हमारे पास था एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, आयनाइजेशन के बाद सिंपल पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये हमारे पास क्या हो गया सिंपल कैटायन। दूसरा एनायन बना है, एनायन नेगेटिव होता है वो हमारे पास क्या बना कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, क्लियर। तो यहाँ भी हमारे सॉल्ट्स की जो टाइप्स हैं वो कम्प्लीट होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेज ऑफ सॉल्ट्स क्या हैं। तो हमारे पास यूजेज ऑफ सॉल्ट्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर सॉल्ट में आ जाता है, पूछ लेते हैं कि फला हमारे पास सॉल्ट है उसके क्या यूजेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो यूजेज ऑफ सॉल्ट्स में बात करें तो डिफरेंट हमारे पास सॉल्ट्स हैं, हम साथ साथ सॉल्ट्स को भी देखते हैं, हम यूजेज को भी देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है NaCl। तो NaCl हमारे पास कॉमनली यूज होता है टेबल सॉल्ट में, ठीक है, या फिर हम इसको कुकिंग पर्पजेज में भी यूज कर लेते हैं। यूज होता है टेबल सॉल्ट में प्लस कुकिंग पर्पजेज में। इसके बाद कर रहे हैं हम सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि Cl आगे लास्ट में तो हमारे पास क्या हो गया सॉल्ट, हम सॉल्ट के ही यूजेस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसको कॉस्टिक सोडा में सोडियम मेटल की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल। और इसको किस किस की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, कॉस्टिक सोडा में और वॉशिंग सोडा में। तो यहां पे हमारे सोडियम क्लोराइड के यूजेस जो है सॉल्ट इसको कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है वो हमारे पास कहाँ कहाँ पे होते हैं, कास्टिक सोडा में, वॉशिंग सोडा में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल में, टेबल सॉल्ट के तौर पे हम उसको यूज कर सकते हैं और सोडियम क्लोराइड को हम
कुकिंग पर्पजेज में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे चंद 7 to 8 यूजेस हैं सॉल्ट्स के, डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, उनके यूजेस को ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास कौन सा सॉल्ट है, हमारे पास सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडा एश। ठीक है, तो इसके क्या यूजेस हैं हमारे पास, इसको हम ग्लास, डिटर्जेंट्स, पल, पेपर और अदर केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। किन किन की, ग्लास, पल, डिटर्जेंट्स एंड अदर केमिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, लेकिन ये हमारे पास था सोडा ऐश, इसमें हमारे पास 7 में 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा है, वॉशिंग सोडा, इसको यूज किया जाता है क्लीनिंग एजेंट के तौर पे, हम घरों में या फिर कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, हम वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा को हम यहाँ पे इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोरेक्स, ग्लास, सोप और पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सॉल्ट है वो है सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट जो है इसको यूज किया जाता है ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में और डिटर्जेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में। फोर्थ हमारे पास है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। हम साथ साथ सॉल्ट्स के नाम और उनके फार्मूलाज भी देखते हैं, अगर आपके पेपर में उन्होंने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया तो आपको पता हो कि ये कौन से सॉल्ट का फार्मूला है, तो आप उसके इजीली जो है वो यूजेस देख सकेंगे। ठीक है, तो सोडियम सिलिकेट में है Na2SiO3। ठीक है, सोडियम सिलिकेट को यूज किया जाता है डिटर्जेंट्स में, क्लीनिंग एजेंट्स और एडहेसिव्स की मैन्युफैक्चरिंग में। क्लीनिंग पर्पजेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, हम इसको डिटर्जेंट्स के तौर पर यूज करते हैं और एडहेसिव्स के तौर पर यूज करते हैं। तो ये कौन सा हमारे पास सॉल्ट है, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम क्लोरेट NaClO3। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोरेट, इसको हम यूज करते हैं प्लास्टिक्स में। ठीक है, प्लास्टिक्स में यूज करते हैं हम इसको, एक्सप्लोसिव्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। ठीक है, और साथ में हम सोडियम क्लोरेट को यूज करते हैं केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो सॉल्ट है वो क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट का अगर हम फार्मूला देखें तो इसके फार्मूला में हमारे पास Na2B4O7 साथ में 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक हो गया, सोडियम टेट्राबोरेट को हम यूज करते हैं हीट रेजिस्टेंट ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में, हीट रेजिस्टेंट ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में। क्लियर। नेक्स्ट हम इसको लेदर इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, लेदर इंडस्ट्रीज में, या फिर हम इसको अपने क्लीनिंग पर्पजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7 साथ में वाटर के 10 मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड एक सिंपल सा सॉल्ट है, इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स भी हैं, उनके आपने फार्मूलाज को याद कर लेना है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास क्या फार्मूला आता है, CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब इसको हम यूज करते हैं ड्राइंग एजेंट के तौर पे। ठीक हो गया, और हम CaCl2 को केमिकल एजेंट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है, फ्रीजिंग एजेंट या फिर
केमिकल एजेंट्स के तौर पे। तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड को ड्राइंग एजेंट में यूज करते हैं, फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं, या फिर केमिकल एजेंट्स के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास दो सॉल्ट्स रह गए हैं, एक है कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट इसके बाद हमारा एक सॉल्ट रह जाएगा, तो एक हमारे पास सेकंड लास्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कौन सा है? क्विक लाइम, CaO। इसको यूज किया जाता है ड्राइंग एजेंट के तौर पे, ठीक है, और इसको यूज किया जाता है हमारे पास ग्लास में, ग्लास के स्टील मेकिंग में, वाटर ट्रीटमेंट में, अदर केमिकल्स में, जैसे कि हमारे पास अदर केमिकल्स में क्या आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर आ जाता है, स्लेट लाइम आ जाते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आ जाता है, और साथ में लिखा हुआ है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर की प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे पास मिक्सर होता है एक कैल्शियम ऑक्साइड का विद बेस हमारे पास है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो शुगर की प्योरिफिकेशन के लिए जो मिक्सर है कैल्शियम ऑक्साइड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, सोडा लाइम। और सोडा लाइम जो हमारे पास बनता है उसको यूज किया जाता है टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर। किस किस को रिमूव करना? वाटर को और CO2 को। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड लास्ट सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं वो कितने हैं? 2। तो कैल्शियम सल्फेट का हम ओपन स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम सल्फेट साथ में वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स। इसको हम, इसमें क्या है कि जिप्सम को यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है, और हम इसको प्लास्टर की प्रिपरेशन के लिए भी यूज करते हैं। किसकी प्रिपरेशन? प्लास्टर की। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट सॉल्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। NO3 आ गया तो ये नाइट्रेट है, ये पोटेशियम है तो हम इसको क्या नाम देंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि इसको नाम कैसे दे रहे हैं, नाइट्रेट सॉल्ट एंड पे है, जो मेटल है वो पोटेशियम पहले है, ठीक है, NO3 आ गया मतलब ये हमारे पास सॉल्ट है। तो इसको हम यूज करते हैं अपनी फ्लिंट ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में, फ्लिंट ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में डबल मिक्स्ड और कम्प्लेक्स सॉल्ट्स को पढ़ लिया डिटेल में, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट हमारे इस चैप्टर का जो टॉपिक है छोटा सा, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं? जहां पे चीज ना तो एसिड होती है ना चीज बेस होती है। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एसिड की एसिडिटी खत्म होती है, बेस की बेसिसिटी खत्म होती है, ना वो चीज एसिड में रहती है ना वो चीज बेस में रहती है, तो क्या होता है हमारे पास सॉल्ट साथ में वाटर बनते हैं। बारह दफा ये चीज हम पढ़ के आए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एसिड बेस रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाते हैं, सॉल्ट और साथ में वाटर। अब एसिड हम यूज कर रहे हैं HCl, ठीक है, बेस हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपस में क्या बना रहे हैं, NaCl और साथ में वाटर। इसका अगर मैकेनिज्म थोड़ा सा देखें तो क्या होगा कि HCl और NaOH, जैसे ही आयनाइजेशन के बाद, डिसोसिएशन के बाद ये बॉन्ड यहां से टूटता है तो ये क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, ये बॉन्ड यहां से टूट गया। तो दूसरी तरफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है कि जब यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ये प्रोटॉन निकला, इसको लोन में नजर आ रहे हैं इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है, तो इसने क्या करना है, इसके साथ जाके बॉन्ड बना लेना है इस तरह। अब इसके पास चार्ज आ गया पॉजिटिव, इसको ये चार्ज पसंद नहीं है, ये सोडियम के साथ वाला बॉन्ड तोड़ेगा, तो जैसे ही इसका ये बॉन्ड टूटा इसके पास चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब ये चीज यहां से खत्म हो गई है, ठीक है, तो बॉन्ड टूटने से इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, वाटर।
वाटर बन गया। ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो सोडियम का पॉजिटिव खत्म, क्लोरीन का नेगेटिव खत्म, तो ये बन क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड विच इज सॉल्ट। ठीक हो गया, ये हमारे पास ये प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो एसिड है वह सल्फ्यूरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली यहाँ पे यही चीज हो रही है, हमारे पास एसिड में सिलेक्ट करके कोई ना कोई सॉल्ट ही बना रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास सॉल्ट सोडियम सल्फेट भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, ठीक है, और सोडियम एसीटेट भी हो सकता है। अगर हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बना रही है, तो हम यहां से भी सिंपल देख सकते हैं कि 2Na क्या बना रहे हैं, Na2SO4। ये दो OH हैं, ये दो H2 हैं, तो क्या बन गया, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, होता क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरी तरफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बॉन्ड जब टूटते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों नेगेटिव चार्ज। यहां से इसका ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूटा, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं दोनों को, जब टूटते हैं तो दो यहां से प्रोटॉन निकलते हैं। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव के फॉर्म में रह गए, तो ये दो पॉजिटिव के फॉर्म में, दोनों सोडियम इस दोनों ऑक्सीजन के साथ आके बॉन्ड बनाते हैं, इसका पॉजिटिव खत्म, इन दोनों का नेगेटिव खत्म, तो क्या बन गया, Na2SO4। ठीक है, इधर आके Na लग गया, तो इनके ये नेगेटिव खत्म हो गए, यहां से ये चीज भी खत्म हो गई। क्या बचा, दो H नेगेटिव, दो H पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, दो वाटर के मॉलिक्यूल बना लिए। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट रिएक्शन है चैप्टर का, वो है एसिटिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हो यही रहा है हर रिएक्शन में कि एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट, साथ में उसके पर्सपेक्टिव से कितने हमारे पास बेस के वो यूज हो रहे हैं मॉलिक्यूल, उसके अकॉर्डिंग एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के देखते हुए हम उनके रिएक्टेंट्स को कि कौन कौन से सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें कितने मोल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, जो भी बेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं। ठीक है, लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं एसिटिक एसिड का विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बन गया हमारे पास, CH3CONa साथ में वाटर का एक मॉलिक्यूल। यहाँ पे कोई भी एक मॉलिक्यूल है ना एसिटिक एसिड का, तो एक ही हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी एक है, तो यहाँ से भी एक OH निकलेगा, तो ये OH और H मिलके वाटर बनाएंगे, और चूंकि इसका जब बॉन्ड टूटेगा सोडियम पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा, ये नेगेटिव के फॉर्म में एसीटेट आयन कहलाएगा, तो ये सोडियम इसके साथ आके एसीटेट आयन के साथ आके बॉन्ड बनाएगा, किस तरह बॉन्ड बनाएगा, CH3COOH नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, इसका पॉजिटिव खत्म, इसका नेगेटिव खत्म, तो क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। क्लियर, तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस थे। ठीक है, हमने कुछ इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस देखी है, क्या रिएक्शंस अभी हम डिस्कस किए हैं, और तीनों के हमने साथ में मैकेनिज्म्स को भी देखा है कि कैसे हमारे पास सॉल्ट और वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।